हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट ALP का फास्ट एज CBT जो अभी चल रहा है, वहां पे Shift 1 फास्ट शिफ्ट ख़त्म हो चुका है। उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आया है, किस टाइप का क्वेश्चन आया है, कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया है, आपकी सेफ स्कोर कितना रहेगा, दोस्तों यहां पे सेफ स्कोर कितना मैक्सिमम हो सकता है, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपके एग्ज़ाम है आगे जाके, तो आप इससे थोड़ा मतलब डाटा एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा लेवल में क्वेश्चन आ रहा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं यहाँ पे रेलवे का फल का अपडेट देता रहता हूँ, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आएगा इसके बाद आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों अभी आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी एक लर्निंग ऐप होता है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए मुझे, तपन घड़ई सर्च कीजिए, और जहाँ पे मैं आपको रेलवे SSC के रिलेटेड आपको तैयारी का वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। जहाँ पे आपकी जो भी इशू है, मैं मैसेज के जरिए मैं आपको कमेंट में आपको बता सकता हूँ, तो आप मुझे जाके अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गाइज, यहाँ पे देख सकते हो जो ALP का टेक्नीशियन का सिलेबस था वो क्या था, आपके मैथमेटिक्स 20 में आने वाला था, रीजनिंग 25 आने वाला था, और जो यहाँ पे जनरल साइंस आने वाला था 20 क्वेश्चन, और दोस्तों जनरल अवेयरनेस वो सारे करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आने वाला था। पर ऐसा कैसा आया है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, ऐसा सब्जेक्ट वाइज कुछ नहीं आया है, जनरल साइंस से ज़्यादा आया है। पर ऐसा नहीं है कि मैथ पहले दे रहा है उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा मिक्स अप करके, सारे मिक्सिंग करके दे देता है, कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ जाता है। तो आपकी जो टाइम ड्यूरेशन था वो भी पहले से भी आपको पता होगा गाइज, टाइम ड्यूरेशन ये था कि आपको 60 मिनट रखा गया था, आपकी टोटल 75 क्वेश्चन था, और क्वेश्चन जो है पूरा मिक्सअप था। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया है, परसेंटेज में क्वेश्चन आया है, यहाँ पे देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व करने लग जाइए और ऐसा ही आपकी क्वेश्चन आएगा। मैं पूरा दिखा देता हूँ आपकी कौन सा कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया था। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, तो रीजनिंग से एनालॉजी से आया था, ब्लड रिलेशन से आया था, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इससे में से थोड़ा ज़्यादा आया था। उसके साथ साथ ब्लड रिलेशन थोड़ा अच्छा से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन से अच्छे मतलब ज़्यादा थोड़ा आने वाला है। एप्टीट्यूड के बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, एप्टीट्यूड जो है वो नंबर सिस्टम थे 3 क्वेश्चन, रूट स्क्वायर रूट से आया था, फ्रैक्शन से आया था, सिंपल इंटरेस्ट 2 आया था, परसेंटेज से आया था 1, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आया था, पाइप एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन आया था। कुल मिलाकर टोटल यहां पे देख सकते हो, ये नहीं है कि आपको अप्रोप्रिएट बता रहा हूं, 1-2 मार्क ऐसे ये हो सकता है, ये दोस्तों जो बता रहा हूं बेस ऑन मेमोरी बेस से ही बता रहा हूं, ऐसा श्योर नहीं हूं कि मैं पूरा क्वेश्चन लाके मैं दे नहीं पा रहा हूं। दोस्तों यहां पे बात करेंगे तो करंट अफेयर के बात करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहा है, और करंट अफेयर में क्या क्या आ रहा है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, उसके रिगार्डिंग आपको पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिए। सारे जो स्टेट वाइज चीफ मिनिस्टर और गवर्नर है उसका PDF भी आपकी इंटरनेट में सर्च कर लीजिए, PDF भी मिल जाएगा। CM और आपको गवर्नर को वो याद रख लीजिए, करंट अफेयर में बहुत आता है। दोस्तों करंट अफेयर में जो आता है जनरल अवेयरनेस उसी के अंदर ही आता है। और दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो करंट अफेयर जैसा ही आया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस का है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। ऐसा ही आपको दोस्तों करंट अफेयर ज़्यादा टॉप नहीं मिलेगा, फिर भी आप देख लीजिए। पीरियोडिक टेबल, साइंस से पीरियोडिक टेबल आराम से ध्यान से देखिए, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख सकते हो, दोस्तों ये सारे क्वेश्चन को इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान में रखते हुए को पढ़ाई कीजिए, आपके जो भी आगे एग्जाम आ रहा है ऐसे टाइप का क्वेश्चन देख सकते हो। दोस्तों RBC रिलेटेड विथ कौन सा रिलेटेड किसके साथ है, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, ट्रांसफार्मर
एसी और डीसी, मतलब ट्रांसफार्मर एसी डीसी के ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है कौन सा कहां से कहां तक, और पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी का पावर क्या है, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस आता है दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का यूज़ क्या है, वो इन्वेंटर क्या है, ये सारे देख लीजिए। इन्वेंटर मतलब जो बनाया कौन है, इसका जनक कौन है, फादर ऑफ स्टेथोस्कोप, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो स्टैटिक जीके से आ रहा था और तमिलनाडु का गवर्नर पूछा है। यहाँ पे सीईओ भी पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए दोस्तों। ये छोटा सा था जो बेस ऑन मेमोरी था दोस्तों, मेमोरी बेस में है, आप लोग इसको थोड़ा फॉलो कर लीजिए। पहले तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल ध्यान से पढ़ लीजिए, और जो सी चीफ मिनिस्टर के नाम, सारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर के नाम और उसका गवर्नर कौन है उसको ध्यान में रखते हुए, और मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री कौन सा मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री का नाम क्या है, और उसका जो मिनिस्ट्री वगैरह सब, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ये सारे आप पढ़ लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये था छोटा सा इंफॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, ऐसे न्यूज पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।